यह एक उदाहरण है भारतीय समाज में हिंदुओं की मनःस्थिति का। लगभग 1200 वर्ष से इस्लाम की बर्बरता से लड़ता हुआ यह देश आज तक उस मनःस्थिति से बाहर नहीं निकल सका जिसे हम शत्रुबोध का न होना कहते हैं। भारत का कथित बौद्धिक समाज निरंतर आह्वान कर रहा कि नरेंद्र मोदी को हराओ। उसके लिए मोदी एक शत्रु हैं, तो फिर यह समझना भी कठिन नहीं कि उसके मित्र कौन हैं। क्या आप जानते हैं, आज से 1200 वर्ष पूर्व जब अरबी लुटेरों की फौज भारत में आंधी की तरह घुसी थी, तब उन्हें किसने रोका था? कौन थे वो सूरमा अप्रतिहत आस्था के नायक जिन्होंने उन अरबी आक्रांताओं को उत्तर पश्चिम से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? वो सूरमा थे गुर्जर प्रतिहार वंश के नायक नागभट्ट प्रथम द्वितीय से लेकर वत्सराज और मिहिरभोज तक। मिहिरभोज ने उन आक्रांताओं को सबसे कठोर सीख दी थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब प्रतिहार वंश के राजा उन आतंकियों से लड़ रहे थे, तब दक्कन में राष्ट्रकूट के राजा उन्हें प्रवेश का मार्ग दे रहे थे। यही वो विकट आत्मसंहारी भूल है जिसने बाद में दक्षिण में खिलजियों और तुगलकों को पांव पसारने के अवसर दिए। फिर दक्षिण में क्या हुआ सभी जानते हैं। उसकी सबसे भयावह परिणति महान विजयनगरम का ध्वंस है। यह लड़ाई प्रतीकात्मक है। भारत हमेशा से दो मोर्चों पर लड़ता रहा, एक बाहरी शत्रुओं से, दूसरा भीतरघातियों से। क्षतियों के संघर्ष और स्वतंत्रता का युद्ध लड़कर भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन पाकिस्तान की शर्त पर। उस विभाजन काल में लाखों लाख हिंदू नृशंसता से मारे गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान लगभग हिंदू विहीन हो गए। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, जो कि आज भी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि देश के कई प्रांतों के कई जिलों में वे बहुसंख्य हो चुके हैं। उनके आतंक के समाचार इतने आम हो चुके हैं कि हिंदुओं को उन समाचारों से अब कोई कष्ट नहीं होता। यह नीम बेहोशी जारी है। इसीलिए आज का लेखक, पत्रकार और कथित बौद्धिक आह्वान करता है कि मोदी को परास्त करो, वह भारत का शत्रु है। यूरोप की ओर आंख उठाकर देखिए। इंग्लैंड में रहने वाले भाईजानों के उत्पात बढ़ते जा रहे हैं और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इंग्लैंड के अंग्रेजों को वो पसंद नहीं तो अंग्रेज देश छोड़कर जा सकते हैं, हम तो यहीं रहेंगे। ऐसी ही घोषणाएं और मंशाएं भारत में लंबे समय से देखी जा सकती हैं। कश्मीर उदाहरण है। बंगाल के कई क्षेत्र हिंदू विहीन हो चुके हैं। केरल की यही स्थिति है। देश के कई हिस्सों में आतंक जारी है। कर्नाटक में सत्ता बदलते ही मारपीट, हत्या और धमकियां आम हो चुकी हैं, लेकिन भीतरघातियों की आंख नहीं खुली। उनके लिए मोदी सबसे खराब नेता हैं। वे सपने देख रहे कि भाईजान फलेंगे फूलेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। देश विभाजन के बाद पाकिस्तान में बसे 20% से अधिक हिंदू भी यही सोचा करते थे, अब वे चारा बन चुके हैं। हर दिन हिंदू लड़कियों का अपहरण, धर्मांतरण और जबरिया निकाह हो रहा। 70-75 वर्षों में भारतीय सभ्यता के चिन्ह तक न रहे। हजारों मंदिर और हिंदू हवेलियां गुम हो गईं। कश्मीर की भी यही कथा रही। बंगाल ने भी यही दिवा स्वप्न देखा। अब दुर्दशा आप देख रहे। भारतीय जनमानस के लिए यह संघर्ष निर्णायक है। लोकतंत्र की लड़ाई में उनकी उदासीनता अथवा मेरे एक वोट से क्या अंतर पड़ता है कि मानसिकता कितनी भयावह और यंत्रणामय हो सकती है, इसका आकलन उन्हें नहीं है। ऊपर से ये सेक्युलर कवि लेखक जो समाज को निरंतर पथभ्रष्ट कर अंतहीन दास्ता की ओर ले जाना चाहते हैं। हिंदुओं का इतिहास और वर्तमान दोनों सामने है। वह अपने भाग्य का विधाता है। उसे तय करना होगा कि वह अपना और इस देश का कैसा भविष्य चाहता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।